हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर डिज़ाइन ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे छोटा सा लोअर कैसे बनाते हैं और कहाँ पे कितनी स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके आप ये बता सकते हो कि आपको किस तरीके की वीडियो जाननी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोअर को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम दोनों को इसको बराबर मिला लेंगे इस तरीके से, इन दोनों पोजीशन को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हमको इसको इस तरीके से मिला के यहाँ पे स्टिच मारनी है। यहाँ पर उस पर हम कितनी कितनी स्टिच मारेंगे, इस पर हम मारेंगे करीब थोड़ी थोड़ी, आधा आधा इंच से भी कम, यानी दो दो सूत बस मारेंगे तिल इतनी स्टिच, इतनी इसको पूरी स्टिच कर लेंगे। हम इसको स्टिच कर लेते हैं इतनी इतनी, हम इसको स्टिच कर लेते हैं। जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पे साइड में पूरी में स्टिच कर ली है, ये हो गया है। अब यहाँ पे भी इस साइड भी हम इस तरीके से ही स्टिच कर लेंगे, पूरे इस पोजीशन को मोड़ सीधा करने के बाद यहाँ पर इस साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने इस साइड करी है पूरी, इस साइड भी हम ऐसे ही यहाँ से स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने स्टिच कर लिए। अब बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर जब हम ये सिलाई करते हैं तो ये हमारी सिलाई कट जाती है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर से इतनी, यानी हमने इसको सी लिया, हम इसको एक साइड को करके इतनी पे सिलाई मारेंगे इसके ऊपर। इसको इस तरीके से दबा लेंगे हम, दबाने के बाद इसको एक पैर की सिलाई पे हम कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर भी स्टिच मार देंगे जैसे कि हमने निशान लगाया था। इसको इस तरीके से करके इसको हम फोल्ड करके पूरी इतनी ही सिलाई मारेंगे इसकी एक पैर की। दोनों साइड हम ऐसी ही सिलाई मार देंगे। हमने दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई मार दी जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये हमारा मजबूत होगा, ये हमारी सिलाई भी नहीं कटेगी। अगर आप सिंगल सिलाई मारोगे तो कट जाएगी। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको नीचे जितना हमने निशान लगा रखा है इतना इतना हम इसको फोल्ड कर देंगे। इतना ही हम इसको सीधी सिलाई मार के दोनों पाँचों फोल्ड कर देंगे। तो हमने सिलाई मार दी तो थोड़ा इस तरीके से दिखेगा ये। अब आप इसके चाहो तो इसके एक सिलाई इसके और थोड़ा आगे मार सकते हो जिससे थोड़ा और अच्छा लगे। हमने सिलाई मार दी जैसा कि आप देख सकते हो, इतनी अच्छी प्यारी लगी रही है। अब हम इसको भी ऊपर फोल्ड कर देते हैं इलास्टिक के लिए जितना हमें फोल्ड करना है। हम इसको कर देंगे एक से डेढ़ इंच फोल्ड, हम कर देंगे इसको एक इंच हम फोल्ड पे कर देंगे इसको, तो सीधी सिलाई हम मार देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पूरी सिलाई मार दी है। हमने थोड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा यहाँ छोड़ दिया ताकि जब हम इसको इलास्टिक डालें और बाकी हम इसको टाइट कर देंगे इलास्टिक डाल के, जिससे अच्छा सा बन पाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जितनी भी हमें मोरी रखनी है उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलाई यहाँ पर मार देंगे। हमें इसकी जैसे चार मोरी रखनी है तो हम चार पर निशान लगा के, जितनी भी हमें इसकी मोरी रखनी है हम उतने पर निशान लगा के, हमें चार रखनी है तो हम चार पर निशान लगाए। अब हम इसको पूरा राउंड सिल देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा एक छोटा सा नन्हा सा लोअर तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इसको ज़्यादा से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके आप ही बता सकते हो कि आपको किस तरीके की वीडियो जाननी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।